अस्सलाम वालेकुम। और आज है बारात, जिसे कहते हैं विदाई, अलविदा, रुखसती। ये तमाम वो खूबसूरत नाम हैं जिसके साथ एक लड़की अपने दिल में बहुत सारे ख्वाब, उमंगे, आरजुए लिए पिया के घर जो है वो सिधारती है, इस आरजू में कि वो उसका अपना घर, जिसका बचपन से उसे बताया गया है, जिसके उसने सुंदर सुंदर से ख्वाब देखे हैं, जहाँ पर जिंदगी के बारे में वो हमेशा से सोचती चली आई है, आज फाइनली वहां जाने का वक्त आ गया है। लेकिन ये जो घर होता है ना, जिसे हम बाबुल का घर कहते हैं, इस घर पे आज के दिन जितनी खुशी होती है उतनी ही उदासी भी होती है, इसलिए कि वो छोटी सी, नन्ही सी, प्यारी सी बच्ची आज इस घर को अलविदा कह के रुखसत हो रही होती है और जा रही होती है। सो इन मिली जुली कैफियात का नाम है बारात और रुखसती। लेकिन इससे पहले कि हम अपने दुल्हा मियाँ को, जो कि पहुंचने ही वाली है हमारी बारात, खुश आमदीद कहें, मैं आपकी मुलाकात आज लड़की वालों से तो करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज हमारे साथ हैं? बिल्कुल। नायाब, नायाब यानी मेरी बहन, कैसे हैं साहिब जी? मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, आप मेरे ही साथ हैं। क्योंकि मैं हूँ लड़के वालों की तरफ से, आपको पता है अच्छे तरीके से। आज हमने आपको चुरा लिया है लड़की वालों से। अच्छा, ऐसा है क्या? आज आप मेरी तरफ है और लड़के वालों की तरफ से हमारे कुछ और मेहमान मिलने वाले। ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। हाँ। और फरे कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। जाहिर है, और कपड़े भी बड़े जबरदस्त पहने हुए। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने यही सुना था दरअसल। खातून जब भी ये तारीफ करती है ना कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी तारीफ तो हुई नहीं, आपकी क्या तारीफ करूं? नहीं, आप नहीं ऐसे मत। आपकी तारीफ में आपने क्या कहा जाए? नहीं, ऐसे अल्फाज कम है जहाँ पना, चांद मध्यम पड़ गया है बाहर, सूरज जो है वो तो निकला ही नहीं है आज। लेकिन कॉम्बिनेशन सेम सेम है, देखा? हाँ, है ना? हमारा बहुत प्यारा सा, मेरा बहुत प्यारा सा भाई है साहिब। ऑफ कोर्स, हमेशा मैं इसको तंग करती हूँ और ये तंग होता भी है माशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है बहनें जो हैं भाइयों को तंग करती रहें, यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें तो अच्छा लगता है। बिल्कुल, हमेशा ये मेरा बड़ा, जिसे कहते हैं दुश्मन पार्टी में बड़ा मजबूत हरीफ होता है, इसलिए आज मैंने साथ मिला लिया। असमा आपा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। लड़का आ गया है? कोई बात नहीं, रिपट लेंगे। तैयार हो जाए, दूध पिलाई लेनी है, जूता छुपाई भी लेनी है। डॉली कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गॉर्जियस डॉली। आज होगा एक शानदार मुकाबला, क्या बात, जो कि आप देखेंगे और हम जब लड़की को रुखसत करेंगे तो उसमें हमारी खुशी भी झलक रही होगी और उसके साथ साथ थोड़ी सी उदासी। लेकिन हमने रोका है आपका रास्ता। जी, इतना फूलों भरा रास्ता। हाँ, आपका रास्ता फूलों भरा, लेकिन और इतनी मजबूत रस्सी से, मजबूत रस्सी, वो फल्ला से पैसे निकाले। कौन से पैसे? पैसे वो आपके पास कॉइन्स है ना? अच्छा, जो नहीं मेरे पास है। अच्छा अच्छा, जब कितने पैसे चाहिए आपको? काफी हमें तो बहुत सारे चाहिए। देखिए, दो तीन साल के हैं। दस दस रुपए दे दो आप। हरे हरे नोट निकाले, हरे हरे दस दस यार, कलरफुल नोट निकाल रहा हूँ। 500 का हरा होता है। पिंक 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 चाहिए था हमको। पिंक चाहिए था ना? नहीं, पिंक वाला चाहिए। पिंक वाला चाहिए। 100 का, जिसके आगे दो सिफर नहीं, तीन सिफर होते हैं। तीन सिफर, अच्छा, दो और इसको तीन, तीन सिफर हो गए। वाजी लाखों हजारों के जोड़े आपने पहने हुए हैं और आप ये 50-50 करोड़ निकाल रहे हैं। काफी ढेर सारे महंगा बच्चा है, महंगा बच्चा है हमारा। एक पाँच और उसके आगे तीन सिफर। अच्छा यार, तीन सिफर, एक दो तीन, चार पाँच छः, तो कम से कम ऐसे होने चाहिए ना। चलो छः सिफर, क्या कहेंगे आप? छह सिफर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। प्यारी साली मांग रही है, क्या कहते हो? बात करेंगी। मैं तो यहाँ खड़े रहते, हजार रुपए कर लो, हजार रुपए कर लो। नहीं नहीं, हजार के आगे एक सिफर और लगा दे। चले, नहीं नहीं, बच्चा बड़ा महंगा है, लेकिन पैसे दिन आप मांग रहे ना, हजार के आगे एक सिफर और लगा दे। चले, आपको सस्ते में छोड़ देते। सारे पैसे खर्च हो गए कपड़ों पे। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिल बड़ा करे ना, दिल का याद करेंगे ये जितने भी हैं। खूबसूरत सी जोड़ी हमारी अलीहा और शानजर की। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बारात की रस्में सेलिब्रेट करें, हमने इस शादी को यादगार बनाने के लिए खूबसूरत सी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की है और ये ट्रिब्यूट है रानी साहिबा को, जो हमारी एक खूबसूरत फिल्म स्टार है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, जिन्होंने बहुत मजे के गाने, बहुत खूबसूरत मधुर गाने बनाए हुए हैं
और हमारी इस शादी की खूबसूरती ये है कि हमने मेहंदी भी की, मायू भी किया, आज हम बारात भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल वलीमा भी करेंगे। एक भी इंडियन गाना हमने नहीं चलाया, हम सारे पाकिस्तानी सॉन्ग्स जो हैं उनके ऊपर परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। सो हमारी आज की शादी में भी हमने कोशिश की है कि पाकिस्तानी गानों को लें, और पहली जो परफॉर्मेंस है आप दोनों के लिए और आप दोनों के नाम, ये खूबसूरत से गाने जो कि आप इंजॉय करेंगे, और नमरीन ये ट्रिब्यूट पेश करेंगी रानी साहिबा। नहीं नहीं नहीं, आज प्लीज आइए आइए, अब आ गई है वो रस्म जहाँ पे सबसे ज्यादा बहस होती है, और हमारे यहाँ पर भी बहस ही चल रही है, इसलिए कि दूध पिलाई है बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो मुझे नजर आ रहा है तंग दिल वो आज दूल्हा के यहाँ, मुझे लगता है आप सब जेलस हैं उनकी शादी से। नहीं मैं क्यों जेलस हूँ, दूध पीना नहीं चाहते हम बच्चे थोड़े, दूध पीने का शौक है मुझे, वैसे भी दूध पीने का शौक जी को पिला रहे हैं, जबरदस्ती है, जबरदस्ती कोई नहीं है, जबरदस्ती ये हमारा पहलवान जो है वो आ गया खड़े में, लाहौर आए हो कि नहीं है, एग्जैक्टली लाहौरी है हम, कटो पैसे, चलो जी कटो, मुझे शक है दूध में कुछ गड़बड़ है, नूरी ने तो अलग से रूम दर्शन ना करें, मुझे शक है दूध में कुछ गड़बड़ है, अच्छा ये गड़बड़ क्या है, मुझे शक है बस, किस में शक है आपको, क्योंकि मैं हर शादी में लड़ाई डालती हूं, मुझे शक नहीं है दूध, अच्छा इनको खामखा में शक है, आप भूल गए वो दूध पीते हैं, हां दूध तो पीते ही नहीं है, नहीं ये तो पीना पड़ेगा, नहीं ये तो नहीं पीना, आप बगैर दूध के ही इतने बड़े हो गए, पैसे हो गए बचपन में भी ना मुझे बुरा लगता था चॉकलेट मिला के पिलाते थे, अली आप प्यार से कह देना पी लीजिए ना, पी लीजिए ना, पैसे दो, हमने अपनी बेटी को सिखाया था, इसने ना सही जा रही है, पैसे बिना पैसों के पीने दो, चलो पियो शाबाश, ये इनकी बात नहीं सुननी, जाली दूध है, पैसे निकाले, जाली दूध है जी, जाली दूध, पैसे निकाले हम, आपको पैसे निकालो, हम पैसे तो छोड़े वाली भाई, हाँ पैसे तो है, देखो हमने अपनी बेटी को अभी बहुत कुछ सिखाया है, अभी खतरा वतरा हो जाएगा, पैसे निकालो आराम से, पैसे तो नहीं, बहुत कुछ बहुत कुछ सिखाया, पता चलेगा बेटा, हॉल का टाइम हो जाएगा, आज पैसे निकालना इतना मुश्किल है, तो अलिया का अलिया क्या होगा, सारे इंटरनेशनल ट्रिप्स का क्या होगा, नहीं वो साइन में अरेंज कर देंगे, अलिया पैसे निकाले, आपकी जेब में पैसे निकाले, तीसरा निकालो, पैसे निकाले, भाई हम कंगले लोग हैं, बस हम कंगले हैं, बस ठीक है, अच्छा हम कंगलों को रुखसती नहीं देंगे, तो लोग क्या कहेंगे, करो बेटा सास और ये लड़की और ये इसको बाहर, अलीहा तुम बोलो, तुम जाना चाहती हो हमारे साथ, माइक में बोलिएगा बेटा, आप जाना चाहती हो, दूध मिलाएगी, पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं, नहीं वैसे हमारे दूल्हा मियां आप तो थोड़ा सा वो करें ना, बड़ी की परास्त भाई, हमने ये बच्चों को पैसे दे दिए थे, एग्जिट पे भी देने हमने, ये हम नहीं देंगे, वो बच्चों को नहीं कर रहे हैं, आपकी शादी का बच्चों नहीं कर रहे हो आप, उन्होंने कह दी नहीं चाहिए पैसे, नहीं घर जाके बुरे बुरे खाम आए, लिया माइक मतलब आप लोगों ने कह दिया है, अभी तक दिमाग से सुन ले, क्या पता है अभी क्या डिमांड है, डिमांड बल्ली को किसी ने शादी में, डिमांड क्या है हमारी, डिमांड डिमांड क्या है हमारी, डिमांड क्या है, 2 लाख रुपए से शुरू कर, 2 लाख 2 लाख नहीं चाहिए, हेलो चाला नहीं चाहिए, बोले 2 लाख मतलब आज का खाना हमें 2 लाख नहीं, खाना फ्री है, चले मैं तो कॉन्सल्ट करता हूँ, तुम तो ऐसे ही जाते रहते हो, तुमसे बतवाओ तो ज्यादा पैसे, कुछ कुछ गाने जाते हैं, हमें जल्दी है करनी है भाई, 2000 रुपया दे देना, 2 लाख पैसे
देखो जिसका था हमारे घर आए थे तुम लड़की मांगे तब तो हमने 5,000 का तुम्हें चाय पिला दी थी। इतनी चीजें हमने रखी थी हमें ये आपकी बेटी को पैसे चाहिए आप कैसी माँ हैं ये इतना ऊंचे कुल्ले की लाज रख ले कुल्ले की शान के बराबर तो पैसे साइन तुम्हारे पीछे इस वक्त कुटनी नंद का रोल अदा कर रहे हैं नहीं नहीं उस देवर का रोल अदा कर रहे हैं जिसको सख्त तकलीफ होती है जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी बिल्कुल आपके कहने काफी है मेरे लिए चलिए जी भाई आप जल्दी करें वैसे ले आओ यार 50-50 रुपए नोट वो वाले नोट लेके आओ जिसमें ईद मुबारक लिखा हो वो वाला नोट जिसमें 50,00,000 लिखा हुआ है और ईद मुबारक भी जल्दी ले आओ पैसे आप लोगों के पास यार कहाँ गए पैसे बेचारे गरीब पैसा लगा चुके हैं सारा हम गरीब शादी में सब पैसा लगा चुके हैं ये जेवर सही है सोने का है या अभी लड़की को जूता सोना बना के लेके जाओ अच्छा चलें जी नहीं लेते हम पैसे ऐसे कैसे करेंगे बेटा दे दो मैं बहुत की मूवी का इतनी मेहनत की है तौबा लेकिन वो तमाम तैयारियां जो कि लड़की वालों ने की होती हैं लड़के वालों ने की होती हैं आज के दिन वो भी हमारी आज की इस खूबसूरत बारात रुखसती का हिस्सा है। खास बात यह है कि हमारी पूरे 5 दिनों की सेलिब्रेशन में एक भी कोई ऐसा गाना नहीं है जो पाकिस्तानी ना हो अमरीकी ना आप एंजॉय करेंगे और हमारी लड़की वालों की तरफ से आप लोगों के लिए अब है एक धुआंदार परफॉर्मेंस और ये खूबसूरत परफॉर्मेंस है बहुत प्यारी सी डॉली और उसके साथ साथ हमारी बहुत प्यारी सी इस बहना की आप दोनों में से कितनी तैयारी कर चुकी है इसकी बहुत कम ऐसे नहीं कहो दुल्हन जनाब हम लड़की बीजी थे सारे काम थे आप देखेंगे लेकिन आप देखेंगे हमें क्या दिखा रही हैं आप हम देखेंगे देख चुके हम देखेंगे और दिखाएंगे भी हमें पता कुछ नहीं होना कि हमने कम तैयारी की है तो इसलिए हमारी ज्यादा तो लड़की वालों के दिल जो कि पहले ही गमगीन होते हैं और उन्होंने चेहरे पे एक मुस्कुराहट सजाई होती है वो उदासी उन पे जरा ज्यादा गालिब हो रही होती है लेकिन लड़के वाले जो हैं वो ज्यादा खुश हो रहे होते हैं जिन्हें पता होता है हम दुल्हन लेके जाने वाले हैं लेकिन बहुत सी ऐसी खूबसूरत रस्में हैं जो इन लम्हात को यादगार बना देती हैं जैसे अब एक रस्म है जो कि हम करेंगे जिसके बारे में अस्मा आप हमें तफसील से बताएं ये क्या रस्म है ये आरसी मसफ की रस्म है जिसमें पता चल जाता है कि कौन कितना बच्चकल है क्योंकि ये करीब से शीशा देखते हैं तो पता लगता है नाक छोटी है नाक कौड़ी है होंठ ऐसे हैं तो फिर जो भी है गुजारा तो करना पड़ता है नहीं उस जमाने में तो शायद इफेक्टिव और अब देखा ही नहीं होता होगा हाँ तब मजा आता था ना अब तो देख देख के तंग आ जाते हैं बंद कर लेते हैं पहले होना चाहिए तो जो होना है हो गया लेकिन इनकी तो माशाल्लाह अपनी पसंद की शादी है दोनों बड़े प्यारे हैं इनको तो देख के बड़ा मजा आएगा गुस्से को चले आप अपना आप उठेंगे यहाँ से अब बेटा मुझे बहुत होगी तेरी आजा उन तेरी कुल्ला उतारेंगे अपना और हम दुपट्टा दे दें इनके ऊपर बताइए क्या कुछ आप इनकी गोद में रखे शीशा आए ना गोद में रखे हम शीशा और दुपट्टा और चीख सुने पहले किसकी आती है नहीं नहीं किसी की नहीं आएगी दोनों खूनी खूनी उतार दिया है शिमला इसको ऐसे करें और बेटा रज रज के देखे एक दूसरे को बस इतना ही है बेटा तू आराम से सब्र से रोमांटिक है ये उस वक्त के लिए जब किसी ने किसी को देखा नहीं होता अब तो खैर कोई हाल नहीं है लेकिन मैं वही पूछना चाह रही हूँ हमारे जो
हमारे जो मजा आता है शिमला दे दे, हमारे जो जीजा जी हैं वो शीशे में खुद को देख रहे थे कि दुल्हन को देख रहे थे, खुद को बाल टिक कर रहे थे। और दुल्हन जो है वो अलिया आप शानजर को देख रही थी कि अपना ही मेकअप देख रही थी कि आज उसने मेरा लाइनर ठीक नहीं लगाया। आप अपनी लड़की खुद ही बिफ्ती करती रहती है, पूछ रही हूँ। नहीं नहीं मैं उनकी तरफ देख रही थी। आप उन्हीं की तरफ देख रही थी। और आप शानजर? हम भी वहीं देख रहे थे। वो तो उनको देख रहे थे कि वो क्या क्या ठीक कर रही है। वहीं का मतलब क्या है? ये शर्माहट तो लड़कियों की होती है, शर्माता नहीं। आप कहाँ देख रहे थे? जी मैं अलिया को। अलिया को, वेरी गुड। क्या क्या शर्मीला दूल्हा है हमारा भाई। वाह वाह वाह, शर्मीले नहीं हो तुम। अच्छा बात कर रहे हो आप, बातों के चैंपियन है सिर्फ के वो परफॉर्मेंस तैयारी भी की है कोई मुकाबला? तुम तो बात ही ना करो ना, क्यों ना बात करो, तुम तो बात ही ना करो। तुम दो कल बराबर हुआ है और बड़ी मुश्किल से बराबरी पे आए हैं और नहीं तो क्या भाई। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि ये परफॉर्म करे, क्योंकि जब ये परफॉर्म करती तो मैं इनको देखता रहता हूँ। जब ये परफॉर्म करती है तो सारा कुछ रख एग्जैक्टली बिल्कुल, खूबसूरत ब्यूटीफुल। लेकिन चैलेंज करते हैं आज हम लड़की वाले लड़के वालों को, अरे थोड़ी देर के लिए सायम लड़की वाले बन जाओ भाई। वो बात ही है, मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूँ। देखिए तुम बहुत अच्छा डांस करते हो और तुम बहुत हैंडसम हो, शादियों में ये सब कुछ होता है भाई। दोनों साइड्स में वो ही लोग कामयाब होते हैं, थोड़े से वक्त की मुनासबत से लोटा मान गए ना, मान गए ना। लेकिन मेरी बात सुने, एटलीस्ट मैं दोगला तो नहीं हूँ। मेरी बात सुने, देखिए बात ये है, आज मैं दोनों साइड चल रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि दीदार जो है वो डांस किया बात है। अच्छा जी हम ऐसा करते हैं जी, साइम ने जिसे कह दिया हाँ। साइम वोट कर रहे हैं दीदार को, हम वोट कर रहे हैं मुकाबला दोनों का होगा ना, कॉम्पिटिशन में से कराना नहीं चाहिए। लड़की वाले हैं जी, मैं लड़की हुई थी जिसपे इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर्स बनाए थे और उसमें इन दोनों के फुटेज जो थे, पिक्चर्स जो थी वो लगी थी, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो हम अभी बॉलीवुड नाइट आपकी दोबारा करेंगे, यहाँ पे टाइटैनिक नाइट करेंगे, टाइटैनिक नाइट करेंगे। नहीं हम ऐसा करेंगे, हम लॉलीवुड नाइट करेंगे। बॉलीवुड सोच चुकी है, लॉलीवुड नाइट करेंगे। और आप वैसे ही यहाँ पे हमें दिखाएंगे जैसे आपने अपनी एक्चुअल नाइट। और इससे पहले जनाब कुछ खूबसूरत शॉट्स इनके फोटोशूट के कहीं गोद में उठाया हुआ है, कहीं कंधे पे बिठाया हुआ है, सो आप भी इंजॉय करेंगे।